मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एज अ डीवी ऑफिसर बैकएंड में पोस्टेड था जब मुझे आईपीबी के बारे में पता चला। तो जब भी हमारी मीटिंग होती थी सीनियर्स के साथ, स्पेशली एवीपी या डीवीपी के साथ, सर के साथ जब मीटिंग होती थी, तो वो अक्सर हमेशा ये बात कहते थे कि अगर आपने बैंकिंग में लंबे समय तक अगर आपने टिकना है तो आपने एक बारी रिटेल का एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बैंकर्स होंगे यहाँ पे उन्हें पता होगा कि बैकएंड और रिटेल बैंकिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्क प्रोफाइल है, वो थोड़ा सा बहुत डिफर है। ब्रांच में कस्टमर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सेल्स भी इन्वॉल्व होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंस भी इन्वॉल्व होता है। बैकएंड में आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर किसी में भी कोई एक एरर आता है तो आप रिजेक्ट कर देते हो, इनकेस उसके बदले में उसका जो एसआर टैट होता है वो रिटेल ब्रांच ऑपरेशन के बहुत ही रिगार्डिंग हार्म होता है वो। तो मुझे पता था कि अब मैंने बैंकिंग करनी है और लंबा भी चलना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार अपने एवीपी सर से डिस्कस करा कि सर मैंने ये करना है, आप इसका थोड़ा गाइड करो क्या कर सकते हैं इसमें। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, तू ब्रांच बैंकिंग में ट्राई कर। मैंने कहा सर ब्रांच बैंकिंग में सेल्स भी इन्वॉल्व होता है, कैसे होएगा? तो उन्होंने कहा कि सेल्स तो करना पड़ेगा दोस्त, अगर सेल्स नहीं कर पाओगे तो फिर बैंकिंग छोड़ दो, बैकएंड में आप सिर्फ लगे रहोगे, एक ही प्रोफाइल पर काम करते रहोगे, नहीं कर पाओगे कुछ। तो फिर मुझे आईपीबी के बारे में पता चला। मैंने आईपीबी ज्वाइन ही सिर्फ इसलिए करा था कि मुझे बैंकिंग की थोड़ी नॉलेज चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पास नॉलेज आ जाएगी तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सेट कर लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस था कि बस कहीं से नॉलेज मिल जाए, अच्छी चीज़ें। तो जब मैंने आईपीबी ज्वाइन करा तो पहली बार मुझे एनआरई एनआरओ के बारे में, कौन से अकाउंट होते हैं, क्या क्या इसमें यूजेस होते हैं, तो पहली बार मैं नई नई टर्मिनोलॉजी सीखी, नए नए अकाउंट्स के बारे में पता चला। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं बैकएंड में 9 to 6 की शिफ्ट में था और आईपीबी में क्लासेस 9 से ही शुरू होती थी। तो मैंने अपने मैनेजर सर से बड़ी रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ मेरा नाइट शिफ्ट आप कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बोला कि घर पे सर कुछ अर्जेंट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप नाइट शिफ्ट करा लो। तो मैं 10 से 6 सुबह नाइट शिफ्ट करता था, उसके बाद सुबह मॉर्निंग की क्लासेस करता था। 7 बजे मैं ऑफिस से निकलता था, उसके बाद 9 बजे पहले हितेश सर की क्लासेस चलती थी, फिर 10 से 11, 11:30 तक मनवीत मैम क्लासेस लेती थी। और इस बीच में मैनेज करने में थोड़ा सा ये होता था कि नाइट शिफ्ट करके जाने के बाद बाइक चलाते समय, क्योंकि मुझे गिवन 1 घंटे के अंदर घर भी पहुंचना होता था, रेडी होना होता था, क्योंकि क्लासेस शुरू होने के टाइम होते थे, तो बाइक चलाते समय बीच में नींद आती थी, बहुत ही दिक्कत होती थी, बट ठीक है कर लेंगे कोई नहीं। तो वो 3 महीने तो मेरे ऐसे चले गए। मेरे साथ एक अच्छी चीज़ आईपीबी में ये हुई कि कुछ अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने बहुत कोऑपरेट करा। मैंने उन्हें ये गाइड करके रखा था कि जब एनआईएसएम की क्लास चलेगी 4 बजे या 2 बजे कभी भी प्रैक्टिस करोगे तो प्लीज़ मुझे उठा देना, क्योंकि दोपहर में फिर मैं 2-3 बजे सोने चला जाता था 3 घंटे के लिए। तो उन दोस्तों ने भी बड़ा सपोर्ट करा, कोई भी टॉपिक अगर क्लियर नहीं होता था और उसे पता होता तो मैं उसे कहता था कि आप अपनी लैंग्वेज में मुझे समझाओ सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आईपीबी में सीखी एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच आईपीबी, जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, नॉलेज दिया, जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ।